हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग बनाएंगे ये सूजी के स्नैक्स। ये इतने यम्मी बनकर तैयार होंगे, खूब कुरकुरे से बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसमें सबसे पहले ये सूजी ले लेते हैं, और सूजी में हमने ये थोड़ा सा वो शुद्ध देसी घी डाल दिया था। देसी घी डालने से बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत यम्मी से। और अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल देते हैं। काली मिर्च डाल के अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये देखिए, नमक डाल दिए। अब हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा एकदम वो सूखी जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे ये बहुत ही चटपटा सा बन के नाश्ता हमारा तैयार होगा। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा हमने, जैसे हमने एक कटोरी हमने सूजी लिया था तो आधा से एक भी कम कटोरी हमने वो मैदा लिया था, मैदा भी डाल दिया इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हम अच्छे से गूंदेंगे। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, क्योंकि ये सूजी है ना, बहुत जल्दी से गीला हो जाता है। हालांकि बाद में सूजी जो है वो बहुत मतलब पानी पी लेता है, लेकिन पहले नहीं। और देखिए, 10 मिनट तक हमने उसको सूजी को रख दिया था, आटे को, और 10 मिनट बाद जो है हम आटे को, ये देखिए, फिर से एक बार ऐसे मतलब इसको गूंदते हैं। गूंदते हुए अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। ये देखिए, चलिए अब हम इसको रोटी बेल लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से रोटी हम बेल लेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए इसमें चकले पर, उसके बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगा कर बेलिए, तो ये बड़े आराम से बिल जाएगा और उठता भी बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से उठ जाता है, चिपकता नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऑयल पड़ा हुआ है, उसमें भी मतलब घी भी पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, एक हमारी बड़ी सी रोटी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। अब आप इसको ना, आप अपनी मतलब पसंद से काटिए, चाहे जैसी आपके अच्छा लगे, चाहे छोटी सी कटोरी हो तो उस कटोरी से काट ले, या तो फिर मतलब वो ढक्कन होते हैं छोटे छोटे, उससे काट लीजिए। हमने तो इसको बस ऐसे ही सिंपल सा काट लिया है। ये देखिए, इसका साइड का ये हमने हटा दिया, अब इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। और अब हम इसको काटते हैं। ये देखिए, हम इसको इस तरह से काटते हैं। अच्छा, देखिए आजकल बारिश भी कितनी हो रही है ना, तो बारिश के समय ना कुछ तो मतलब चाय के साथ नमकीन अच्छा ही लगता है, और वो भी घर का बना हुआ शुद्ध एकदम कुरकुरा सा एकदम चाय के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सूजी की वजह से ना बहुत ज़्यादा कुरकुरापन आ जाता है इसमें। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और अब हम इसको देखिए उठा लेते हैं, क्योंकि हमने ऑयल नीचे लगा इसमें लगा दिया था, तो इसकी वजह से ये देखिए बहुत अच्छे से उठ गए हैं। और अब हम इसको तल लेते हैं। बस इस समय ना हम फ्लेम को हाई नहीं रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं, मतलब मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम तलेंगे। ये देखिए, एक एक करके हमने इसमें को इसमें डाल दिया है। चलिए अब हम इसको चला देते हैं। वाह, ये देखिए कितना बढ़िया तल गया है ना। अब ये जब हम धीमी आंच पे इसको तल देंगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब कुरकुरा सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो फटाफट वह ये नाश्ता आप बना सकते हो। चाय पर तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, सारा ऑयल निकल गया उसमें, देखिए बिल्कुल ऑयल नहीं है। इस तरह से छन्ने से करने से सारा ऑयल निकल जाता है, सारा ऑयल निकल गया। और ये देखिए, बढ़िया हमारा ये बन गया। देखिए एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है ना। और ये देखिए, हमारा ये सूजी का स्नैक्स बनकर तैयार हो गया। आप इसको जब मन चाहे बस फटाफट बना लीजिए, और इसमें बहुत कम सामान से ये तैयार हो जाता है। घर के ही सामान में, जो घर में सामान रखा रहता है, हम उसी से इसको जल्दी से फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और ये चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता, बहुत यम्मी, और ये इतना कुरकुरा सा बनता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। सूजी की वजह से ही इतना अच्छा बनता है। ये देखिए, और आप देखिए, हम आपको ये एक तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत यम्मी, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है ये। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।